गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जो भी लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं या अपने ज़िले से वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार का ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो गोरखपुर में फंसा है और उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में जाना चाहता है, वो ऑनलाइन अप्लाई करे, उसका पास जारी हो जाएगा और वो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में चला जाएगा। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हमारे जनपद में अन्य राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, उनकी उसके लिए मैनुअल काउंटर बनाया गया है। अब तक जिला प्रशासन द्वारा 1132 लोगों को भेजा जा चुका है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि यहां से किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में जाने के परमिशन है, जिसका आधार कार्ड उस राज्य का है, उसे यहां जाने का पास दिया जा रहा है। लेकिन वैसे लोग जो यहां के निवासी हैं और दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वे पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें यहां बुला लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया। राजेश कुमार सिंह हूं, एडीएम फाइनेंस हूं यहीं गोरखपुर में। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है। पहला एक राज्य सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो गोरखपुर में फंसा है और उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में जाना चाहता है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करे, अप्रूवल मिल जाएगा और वो अपने उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में चला जाएगा। दूसरे वे लोग हैं जो हमारे जनपद में अन्य राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने बाहर यहाँ मैनुअल काउंटर बना रखा था। अब तक हम लोग कल तक 1131 लोगों को भेज चुके। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ से किसी व्यक्ति को अदर स्टेट में, दूसरे राज्य में जाने की परमिशन है, और वो भी उसको जिसका आधार कार्ड उस राज्य का है, उसको हम यहाँ फंसा हुआ मान रहे हैं और उसको जाने की परमिशन दे दे रहे हैं। परंतु कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि लोगों को लगता है कि जो अन्य राज्यों में भी फंसे हुए लोग हैं, उनका भी पास यहाँ से जारी हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए उन्हें उस राज्य से अपना, जैसे मैं यहाँ से अन्य राज्यों में जाने के लिए पास जारी कर रहा हूँ, वैसे ही अन्य राज्यों से वो अपना पास जारी करें और उत्तर प्रदेश में आ जाएं या अपने जनपद गोरखपुर में आ जाएं। मेरे कार्यालय में इसलिए ना आए कि साहब मेरा कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में फंसा है, मेरा कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में फंसा है और यहाँ से मैं उसको पास दे दूँ और वहाँ से वो वापस आ जाए, ऐसा मेरे कार्यालय से नहीं हो पाएगा। कृपा करके ऐसे लोग मेरे कार्यालय से संपर्क ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अनावश्यक कार्यालय ना आए। धन्यवाद सर। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ से पास मिल जाए और हम गाड़ी लेके जाएं और जहाँ भी फंसे हुए लोग उनको लेके आएं। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि गोरखपुर के लगभग 30,000 लोग बाहर हैं जो हमारे vcare.in पर जिन्होंने अपनी एंट्री कर दी है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनका एक्सेल सीट बना के उन राज्यों के जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। वो इसलिए भेजा गया कि वो जिलाधिकारी वहाँ उनको रजिस्टर कर लें और वहाँ से जो कोई साधन चल रहा है, जैसे आज तक लगभग 30 ट्रेनें आ गईं, जिनमें सूरत से, महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से भी ट्रेनें आई हैं, वो उसी प्रकार के लोग हैं जिन्होंने vcare.in पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ उनकी सूचना भेजी गई, वहाँ उनसे संपर्क किया गया और ट्रेन के माध्यम से वो यहाँ पर आ गए।